सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आम की इल्ली, यानी आम में जो प्रमुखता रखने वाली इल्ली है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आम की फसल काफी मौसम की मार झेलने के बाद अब उसमें बीमारियां और कीटों का प्रकोप काफी बढ़ने लगा है, तो इस विषय में बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आम की फसल जो बची है उसको अच्छी गुणवत्ता देने के लिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। कैसे आप उसको अच्छी गुणवत्ता फसल तैयार कर सकते हैं जिससे मार्केट में आपको अच्छा मुनाफा मिल सके, तो इसी पे बात करने वाले हैं। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। तो बात करने वाले हैं आम की फसल में लगने वाला इल्ली। इल्ली ये ऐसा कीट है जब फसल तैयार हो जाती है, जो आम के फल हैं वो जब परिपक्व होने की अवस्था में होते हैं तो आम की इल्ली का जो कीट है वो उसकी सतह पर जो है धीरे धीरे छेद कर देता है और उसके अंदर का गूदा जो है खाने लगता है, जिससे क्या होता है कि आम की फसल जो है धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो इसकी हम लोग कैसे निगरानी करेंगे बाग में, कैसे इसको ध्यान रखेंगे, और यदि आपके बाग में इस इल्ली का प्रकोप है तो हम इसको कैसे इसे निजात पाएंगे, तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो इन दिनों आम की फसल में कैटरपिलर का काफी प्रकोप होता है जिसे हम इल्ली कहते हैं। इसकी समय पर पहचान न होने पर काफी फसल प्रभावित होती है जिसे बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, तो यह पीले भूरे रंग का होता है। इसकी मादा को पतंगा कहा जाता है। इसकी इल्लियां भूरे रंग की होती हैं जब यह पूर्णतया विकसित हो जाती हैं, उस समय यह 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। यह पेड़ की तनों की छाल में छुपी रहती हैं, आम के फलों के छिलके को काटकर गूदे को खाती रहती हैं और अपने मुंह के द्वारा अपने शरीर पर जाल बनाकर पूरे शरीर को ढके रहती हैं। जिन आम के बाग के आसपास बेर, जामुन, लीची, अमरूद ये बाग होते हैं, उन आम के बाग में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है जिससे आम की फसल बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। और जहां आम के बाग काफी घने होते हैं वहां भी इसका प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बचाव से। तो जिन बागों में इसका प्रकोप दिखाई पड़े वहां साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है, उन बागों में साफ सफाई की काफी ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे ही 2-4 कैटरपिलर देखने को मिलते हैं वैसे ही आप बाजार से क्लोरोपाइरीफास 5% ईसी तथा लेमडा साइलोथ्रिन 1.5 ml 1 लीटर में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए जिससे इस कीट से निजात मिल जाती है। वहीं दवाई के छिड़काव करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब हम दवा का छिड़काव करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव समान रूप से हो, यानी प्रत्येक पौधे पर प्रत्येक जगह पर समान रूप से इसका छिड़काव होना चाहिए। और वहीं छिड़काव के समय साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए, यानी तालाब पोखर का जो पानी होता है छिड़काव के समय उसका प्रयोग करता है। और वहीं दवा का छिड़काव करते समय मास्क, चश्मा और दस्ताने का प्रयोग अवश्य करें जिससे आपको कोई नुकसान न पहुंचे। और दवाई लेते समय इस बात का भी ध्यान रखें आपको रजिस्टर्ड दुकान जो है उससे दवा लेनी है ताकि अच्छी दवा मिल सके और उसका जो है अच्छे से प्रयोग करें जिससे आपकी फसल जो है अच्छे से तैयार हो जाए और उसकी गुणवत्ता अच्छी मिले, मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी मिले। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, आप अगर किससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।